तो न्यूमेरिकल है देखो, मेटल वायर ऑफ लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी होती है मास पर यूनिट लेंथ, ये गिवन है एम। टेंशन गिवन है, टेंशन 10 kg वेट है, केजी वेट को न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 9.8 से मल्टीप्लाई करके, और 1 मीटर अपार्ट लेंथ गिवन है। तो स्ट्रेच स्ट्रिंग की प्रॉब्लम है पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, द वायर पासिस एट मिडल पॉइंट बिटवीन द पोल्स ऑफ द परमानेंट मैग्नेट। ये बेकार की लाइन है, तुमने वायर को परमानेंट मैग्नेट से बांध दिया या कील से बांध दिया, जिससे मर्जी ऊपर पास कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर चलो, उसने बोला परमानेंट मैग्नेट्स का कोई रोल नहीं है, बस ये एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है, बात खत्म। आगे कहानी कुछ ऐसी है, इट वाइब्रेट्स इन रेजोनेंस। अब ये रेजोनेंस वर्ड कैसे आ गया? देखो, तो एक पॉइंट को समझो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ये वर्ड बार बार रेजोनेंस यूज क्यों करता है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि रेजोनेंस, या जो हमने फ्रिक्वेंसीज लास्ट टाइम निकाली थी, फंडामेंटल न्यू वन, सेकेंड फ्रिक्वेंसी न्यू टू, न्यू थ्री, न्यू फोर, इनको फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज बोलते क्यों हैं, इसको समझने के लिए एक पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज ये एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर ये एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को आपने एक पुली से बांध दिया, ये रहा पुली, और नीचे आपने मास लगा दिया। मास इसलिए लगाया ताकि यहाँ पर टेंशन हो जाए, तो स्ट्रिंग टाइट हो गई एकदम, तो मूव नहीं करना है इसमें, टेंशन इसमें mg के इक्वल है। जितना ज़्यादा मास लगाओगे, टेंशन उतनी स्ट्रिंग में ज़्यादा होगी। क्लियर है यहाँ तक? टेंशन ज़्यादा होगी। तो आपने इसके दो पॉइंट्स ले लिए, ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। मान लो परमानेंट मैग्नेट है जिसके ऊपर से पास कर रही है, सपोज इसकी मर्जी ऊपर से पास हो, तो दो पॉइंट्स हैं, तो आपका ये एक वायर है, ठीक हो गया। तो अगर मैं मास लगाऊंगा तो आपको क्या लगता है, इसमें स्टैंडिंग वेव जनरेट होंगी? ऐसे कैसे होंगी? तुम घर जाके लगा लो मास, क्या उसमें ऐसे कांपती है वायर? ऊपर लूप्स बनाती है, कहाँ बनाती है? रेस्ट पे पड़ी रहेगी, बात खत्म। या तो तुम जाके इसे हिलाओ, तब जाके वेव जनरेट होगी और स्टैंड लूप्स जनरेट हो सकती हैं। या एक और तरीका होता है, लैब में एक तरीका है, और वो तरीका ये तरीका है कि आप ट्यूनिंग फोक लो। ट्यूनिंग फोक के दो प्रॉन्ग्स होते हैं, इस तरीके से दो आर्म्स हैं, इसको जोर के टेबल में मार के इसके सामने रख दो, तो ये अंदर बाहर क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। ये इतनी जोर की वाइब्रेट करता है कि हवा के पार्टिकल को वाइब्रेट करवा देता है, मतलब इतनी इसमें वाइब्रेशंस ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं कि ये डिस्टर्बेंस एयर के पार्टिकल आगे जाते हैं और ये वायर को डिस्टर्ब कर देते हैं, इतनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, तो वायर में एक पल्स जनरेट कर देते हैं ये। वो पल्स आगे जाती है, टकरा के वापस आती है, और इसमें कुछ लूप्स जनरेट हो जाते हैं। तो अगर आपको लूप, एक लूप नजर आया, आप बोलते हो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी हो गई इसमें, आपके सामने है। अगर आप इसे ज्यादा हिलाते हो जोर की, तो वाइब्रेशन ज्यादा तेज होंगी, तो हो सकता है इसमें दो लूप्स नजर आए आपको, दो लूप्स। तेज करोगे तो हो सकता है आपको तीन लूप्स नजर आए, आपको दिखेंगे, नंबर ऑफ लूप्स आप काउंट कर सकते हो उसमें। तो हम बोलते हैं कि ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी और ये वाले केस की फ्रीक्वेंसी क्या कर गई? मैच कर गई। मैच करने को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस हो गई। अब क्योंकि जो हमने फ्रीक्वेंसीज लास्ट टाइम निकाली थी, न्यू वन, न्यू टू, न्यू थ्री, या जो भी हमने निकाली, वो सारी जो ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं, ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज हैं। आप मुझे ये नहीं बोल सकते कि सर एक स्ट्रेच स्ट्रिंग ले लो और 1000 हर्ट्स पे बताओ कौन सा मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा। नहीं, 1000 हर्ट्स पे स्टैंडिंग वेव बनेगी या नहीं बनेगी ये जरूरी नहीं है, क्योंकि स्टैंडिंग वेव कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज पे ही बनती हैं, जो कि जैसे पहली फ्रीक्वेंसी है v/2l, दूसरी फ्रीक्वेंसी है 2 × ν₁, नेक्स्ट है 3 × ν₁, एंड सो। तो इन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज पे ही ऐसे डायग्राम देखने को मिलेंगे, हर फ्रीक्वेंसी पे स्टैंडिंग वेव बनती नहीं है। तो इसीलिए मान लो ये फर्स्ट केस है, जब ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी ने एक फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन जनरेट कर दिया, ठीक है, तो ये पहली फ्रीक्वेंसी है, तो हम बोलेंगे कि रेजोनेंस में आ गए। अपने आप तो वायर स्टैंडिंग वेव जनरेट नहीं करेगी ना, तो किसने जनरेट करवाई? या तो मैं जाके जनरेट करवाऊं, तो मेरी फ्रीक्वेंसी और स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी सेम हो गई, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी के साथ जनरेट सेम हो गई, तो ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी और ये वाले केस की फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब क्या कर गई? मैच कर गई, ये रेजोनेंस हो गई। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम कोई ट्यूनिंग फोक लेंगे और कोई तरीका लेंगे जिसे स्टैंडिंग वेव जनरेट करवाएंगे, और हम जब स्टैंडिंग वेव जनरेट करवा लेते हैं, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं, क्योंकि किसी ना किसी ने तो जनरेट करवाई, और जिसने भी जनरेट करवाई और ये फ्रीक्वेंसी अचीव हुई, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हुई, इसका इसलिए इसका नाम क्या है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। अब जैसे मेरे इस क्वेश्चन, और हाँ, ये अपरेटर्स जो आप देख रहे हो लैब के अंदर अवेलेबल है, लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट भी है, इस एक्सपेरिमेंट को का जो अपरेटर्स का नाम है, इसको बोलते हैं सोनोमीटर। तो अगर आपके पेपर के अंदर वर्ड आ जाए कंसिडर अ सोनोमीटर, जिसका
जिसमें मास पर यूनिट लेंथ एम है, तो आप ये ना सोचें कि हमने हमें करवाया नहीं है, स्ट्रेच स्ट्रिंग के सारे फॉर्मुलस में एप्लीकेबल हैं। तो जो भी हमने स्ट्रेच स्ट्रिंग के एग्जाम्पल लिए थे सब इसके अंदर एप्लीकेबल हैं, बस एक एक्स्ट्रा काम है जो टेंशन होती है उसकी जगह एम जी लिख दिया जाता है, बात खत्म। तो क्लियर है यहाँ तक? तो सोनोमीटर सुनते ये नहीं कहना कि हमने करवाया नहीं है, हमने कर लिया सोनोमीटर, स्ट्रेच स्ट्रिंग वाला सेम केस निकल के आएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहे हैं कि इट वाइब्रेट्स इन रेजोनेंस, वायर रेजोनेंस में है, किसके साथ? कैरिंग एन ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अरे करंट कहां से आ गया? मतलब वायर में करंट दौड़ा होगा जिसने कि स्टैंडिंग वेव जनरेट करवाई होगी। अब वायर का जो, वायर के करंट की जो फ्रीक्वेंसी है उसने स्टैंडिंग वेव जनरेट करवाई, तो स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी और करंट की फ्रीक्वेंसी इसका मतलब सेम है, इसलिए इसने वर्ड रेजोनेंस यूज किया। हालांकि इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट का कोई मकसद है ही नहीं, कोई रोल ही नहीं है इसमें, वो सिर्फ समझाने के लिए कि ट्यूनिंग फोक नहीं यूज किया, ऑल्टरनेटिंग करंट यूज कर लिया। कह रहे फाइंड द ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स, तो इसमें ये नहीं गिवन कि ऑल्टरनेटिंग करंट ने कौन सा मोड जनरेट किया था, एक लूप वाला, दो लूप की, तीन लूप देना चाहिए था उसे, कि अगर एक लूप है तो फंडामेंटल केस है, दो लूप्स हैं तो सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है, तीन लूप्स हैं तो थर्ड, क्योंकि सबकी फ्रीक्वेंसी हर केस में डिफरेंट है। क्लियर है यहां तक? तो अब इस केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट है, इसने मेंशन नहीं किया, तो हम फंडामेंटल लेके काम करेंगे। अगर मेंशन नहीं, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी स्ट्रेच स्ट्रिंग में क्या होती है? 1/2L अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू, सब कुछ गिवन है, फ्रीक्वेंसी आ गई, यही फ्रीक्वेंसी होगी ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वर्ड क्या यूज कर दिया? रेजोनेंस। तो यही इसका मतलब, क्वेश्चन समझना ज्यादा बड़ा है, आंसर में तो कुछ करना ही नहीं है इसमें, बस केस मैच करना है, ठीक है? तो स्टेटमेंट आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे टाइम के साथ। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, देखो सोनोमीटर वायर, अब बंदा कहे मेरे को टॉपिक करवाया नहीं सोनोमीटर, हम तो किया ही नहीं, किया है, स्ट्रेच स्ट्रिंग का केस लगेगा इसमें, बेसिक न्यूमेरिकल है बाकी। इसको देखो, इसे तो स्ट्रेच वायर एमिट्स अ फंडामेंटल नोट ऑफ 256, एक स्ट्रेच स्ट्रिंग का एग्जांपल है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 256। स्ट्रेचिंग फोर्स कांस्टेंट, स्ट्रेचिंग फोर्स का मतलब टेंशन कांस्टेंट, रिड्यूसिंग लेंथ ऑफ द वायर बाय 10, तो अगर लेंथ पहले एल थी अब कितनी होगी? एल माइनस 10, तो कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 320। तो बताओ लेंथ ऑफ द वायर क्या है? दो केस, पहला फॉर्मूला लगेगा ये स्ट्रेच स्ट्रिंग का, पहले केस में फ्रीक्वेंसी कितनी है? 256, जब लेंथ कितनी है? एल। दूसरे केस में लेंथ क्या होगी? L माइनस 10, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 320। इन्हें डिवाइड कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, L कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, समझ में आ रहा है यहां तक? इस क्वेश्चन को देखो, in an experiment it was found that the string vibrated in three loops,
व्हेन 8 ग्राम वर प्लेस्ड ऑन द स्केल पैन, वो इस सोनोमीटर वाला केस है कि स्ट्रेच स्ट्रिंग है और पैन लगा के मास लगा दिया ताकि टेंशन एम जी के इक्वल हो जाए. वॉट मास मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द पैन, तो मास चेंज करेंगे टू मेक द स्ट्रिंग वाइब्रेट इन 6 लूप्स. पहले एक बात बताओ, ये स्ट्रेच स्ट्रिंग का एग्जाम्पल है. फर्स्ट मोड में याद करो डायग्राम ऐसा बनता था फर्स्ट मोड में, और फ्रिक्वेंसी क्या आती थी न्यू वन. सेकेंड केस ऑफ सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में ये लूप्स बनते थे, फ्रिक्वेंसी क्या आती थी न्यू टू. तीसरे में क्या होता था, ये एग्जाम्पल है, फ्रिक्वेंसी क्या आती थी न्यू थ्री. ऐसे ही है, फर्स्ट मोड में नंबर ऑफ लूप्स 1, सेकेंड मोड में नंबर ऑफ लूप्स 2, थर्ड में 3 और nth में n. सही है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसके अंदर न्यू वन फ्रिक्वेंसी है, इसके अंदर 2 × new 1 है, 2 × new 1 है, तो 2 का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ लूप्स है, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी कितनी है 3 × new 1 है, तो नंबर ऑफ लूप्स में 3 है. तो जो ये कोफिशियंट होता है इसमें 1, 2, 3 वही नंबर ऑफ लूप्स हैं इसके इसमें. तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ इसमें कि जो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला है फंडामेंटल वो तो 1/12√T/μ है, लेकिन अगर मान लो फर्स्ट मोड है तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई, सेकेंड मोड है तो 2 times हो जाएगी फ्रिक्वेंसी, थर्ड मोड है तो 3 × fundamental है, ऐसी क्या न्यू 1, 2 × new 1, 3 ×. तो अगर pth मोड है, pth मोड या p नंबर ऑफ लूप्स हैं, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, p से. क्लियर है यार, n की जगह p ले लिया, क्या फर्क पड़ता है. तो p इज नंबर ऑफ लूप्स, क्या मैं बोल सकता हूँ इसमें. अब क्वेश्चन में 2 केस हैं, वो टेंशन चेंज कर रहा है और नंबर ऑफ लूप्स चेंज कर रहा है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं कर रहा. तो एक काम करते हैं, हम इसे स्क्वेयरिंग अगर कर लें तो स्क्वेयरिंग करने के बाद क्या आएगा, ये न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर इनटू 1/ ये आएगा. तो इसमें एक तो ये चीज चेंज हो रही है, एक ये हो रही है, इनको यहां मल्टीप्लाई करके क्या लिखा जा सकता है, कांस्टेंट. तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, टी इंटू पी स्क्वायर इज अ कांस्टेंट. तो पहले केस में टेंशन टी वन है और नंबर ऑफ लूप पी वन है, टी टू है, पी टू है, टी टू निकालना है. टी वन आपको 8 ग्राम गिवन है, पी वन नंबर ऑफ लूप्स है पहले केस में 3, दूसरे केस में 6. तो यहां से सॉल्व करके आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी. क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, ठीक है. पिच अगर मान लो ये बोला जाए कि पिच का मतलब फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी मेजर टोन में है, तो याद रखना मेजर टोन का मतलब 9/8 times फंडामेंटल है. फैक्ट है, कभी कभी यूज हो जाए तो नोट कर लेना, मेजर टोन का मतलब 9/8 times फ्रीक्वेंसी है इस क्वेश्चन में. अ वायर हैविंग लीनियर मास डेंसिटी m गिवन है, अगेन टेंशन गिवन है, और द वायर रेजोनेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 420. देखो इसने ये नहीं बोला ये फंडामेंटल है, बस रेजोनेट्स विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 420. अब रेजोनेट्स विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 420 का मतलब क्या पता, ये सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, पता नहीं. आगे द नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी एट विच द सेम वायर रेजोनेट्स इज 490. जैसे मान लो अगर ये nth, ये मान लो nth मोड है, तो अगला मोड कंसेक्टिव होगा n+1th हो जाएगा, ठीक, क्योंकि अगली फ्रीक्वेंसी उसने कहा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी है, 490 है. आपको लेंथ ऑफ द वायर निकालना है. तो ऐसा करें, ये स्ट्रेच स्ट्रिंग की प्रॉब्लम है, स्ट्रेच स्ट्रिंग में पहली फ्रीक्वेंसी कितनी है न्यू वन, तो नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं 1. दूसरे केस में फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 × new 1, नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं 2. नेक्स्ट में 3, तो आपको लगता नहीं कि नंबर ऑफ लूप्स और हार्मोनिक्स तो एक ही बात है, क्योंकि हार्मोनिक्स क्या होते हैं, कोफिशियंट ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. तो ठीक लिखा ना उसने कि पहले केस में फ्रीक्वेंसी 420 है जब पी नंबर ऑफ लूप्स हैं, और पी नंबर ऑफ लूप्स का मतलब यहां पर पीथ हार्मोनिक है, एक ही बात है. फिर दूसरे केस में अगला कंसेक्टिव केस है, पी की जगह नंबर ऑफ लूप्स कितने हो गए, पी प्लस 1 हो गए, और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 490. तो 2 केस हैं, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इसमें 420 है और लेंथ इसमें एल है, तो नंबर ऑफ लूप्स इसमें पी है. दूसरे केस में 490 है और यहां पर पी की जगह पी प्लस 1 है, तो इन्हें डिवाइड करके आपके पास क्या आ जाएगा, पी. पी को ऊपर पुट करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एल. समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे सोचना है इसमें.